राधे राधे, कैसे हो आप सब। राधा रानी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी कृपा आप सभी पर बनी रहे। गोपाल जी कृपा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है आधिक मास चल रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन इस महीने में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस महीने में दीपदान का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो अधिक मास में आप दीपदान जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है जब आप दीपदान करते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि हम कैसे अपने दीपदान की तैयारियां शुरू करें। तो हम चलिए दीपदान की तैयारी शुरू करते हैं। हमें कैसे दीपदान की तैयारी शुरू करनी है, तो पहले मैंने आटा ले लिया है। आटे के अंदर हम हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालनी है हमें, जिससे हमारा आटा थोड़ा येलो सा कलर आ जाए, मतलब अच्छा दीपक लगने लगे। फिर हम इसको अच्छे से सख्त सा, हमें मतलब टाइट सा इसको अच्छे से डो, अच्छा टाइट डो बनाना है हमें, क्योंकि ढीले मतलब जब थोड़ा सा सख्त ना नहीं होता तो उसके अच्छे दीपक नहीं बनते। तो हमें सख्त सा थोड़ा सा बनाना है, तो मैंने बना लिया है। हम इससे दीपक बनाएंगे। अधिक मास में हम तुलसी जी के सामने जरूर दीपदान करना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि श्री हरि जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है। तो तुलसी जी में आप अधिक मास में शाम के समय दीपदान जरूर करें। इसके अलावा आप एकादशी के दिन दीपदान कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन दीपदान कर सकते हैं, अमावस्या के दिन दीपदान कर सकते हैं। आप 11 दीपदान का दान जरूर करें, आप 5 दीपदान का भी कर सकते हैं, आप 5, 7, 9, 11 जितने भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 11 दीपकों का दान करूँगी मैं। तो पहले मैं इनको अच्छे से दीपक की शेप में इनको अच्छे से बना लूँगी। आप मिट्टी के भी दीवे ले सकते हो, मार्केट में मिलते हैं मिट्टी के, तो आप मिट्टी के भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आटे के दीवे ही बनाए हैं। तो पहले हम इसको, पहले 11 टुकड़ों को तोड़ के फिर हम इनके अच्छे से दीपक बना लेंगे। और मैंने अब दीपक बना लिए हैं। अब इसके अंदर हम तिल का तेल डालेंगे, हो सके तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें सिर्फ तिल का तेल ही डाला है, तो मेरे पास था तिल का तेल, शुभ माना जाता है इसलिए मैंने तिल का तेल डाला है। अब हम इसके अंदर रुई की बनी हुई बत्तियाँ डाल देंगे। आप बनी बनाई भी डाल सकते हो, मेरे पास बनी बनाई रखी थी तो मैंने डाल दी, आप घर पर भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लंबी बत्तियाँ भी ले सकते हो, मेरे पास ये छोटी गोल थी तो मैंने इनको ही लिया है, मेरे पास बनी बनाई रखी थी तो मैंने इनको ही लिया है। तो ऐसे करके मैंने सभी के अंदर डाल दिया है। चलिए अब चलते हैं हम दीपदान कैसे करते हैं। तो मैं तुलसी जी के पास ही दीपदान करूँगी। तो तुलसी जी के पास आप पहले अच्छे से साफ कर देंगे, पहले साफ सफाई होनी चाहिए तुलसी जी के पास, तभी आप अच्छे से दीपदान कर सकते हैं। आप दीपदान केले के पेड़ के नीचे कर सकते हो, आंवले के पेड़ के नीचे कर सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, आप मंदिर में कर सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप तुलसी जी के सामने ही दीपदान कर सकते हो। गमले के पास पहले अच्छे साफ सफाई होनी चाहिए, फिर हम उसके पास स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी से। आप हल्दी से स्वास्तिक बनाना, आप स्वास्तिक की जगह रंगोली भी बना सकते हो। तो मैंने पहले स्वास्तिक बना लिया है हल्दी से। और आप दीपदान कब करते हो, करना चाहिए हमें दीपदान, दीपदान हमेशा अंधेरे में करते हैं, क्योंकि उजाले में तो दीपदान का कोई फायदा नहीं होता। आप सूर्य उदय होने से पहले दीपदान कर सकते हैं, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। सुबह आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम
शाम को ही दीपदान करें, क्योंकि आप दीप दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। शाम के आरती के बाद आप